11 दोनों क्लास के विद्यार्थी, चलिए आज बायोलॉजी की क्लास समझने के लिए आप तैयार रहिए। तो पिछले दिन बायोलॉजी में जो बात बताए थे और उसी से रिलेटेड आज एक नया टॉपिक लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो वो आपका टॉपिक है जैव विविधता। और जैव विविधता का मतलब भी आप लोग समझ रहे होंगे कि जैव विविधता जो होता है, जैव जो शब्द है वह तो आपका देखा गया है। तो जैव का मतलब सब लड़के समझ रहे हैं कि जीव नहीं, आजीव का मतलब समझ रहे हो कि जिसमें जान नहीं, चाहे तो वो कहा जाए कि जंतु है या तो कहा जाए कि पादप है। एक दो चीज बताए हैं उसका, कितना के बताए हैं, दो तरह का बताए हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो जैव बना है जीव से। आप विविधता का मतलब होता है विभिन्नता, ठीक है? इधर मतलब क्या होता है, विभिन्नता है। मतलब कहने का मतलब है कि कभी कभी आप लोग को भी दिमाग में आता होगा कि दुनिया में इतना तरह का पौधा कैसे आया। नहीं, छोटा नन्ना नन्ना सा पौधा तो बड़ी से बड़ी, बताओ आम अमरूद शीशम देखता है, इमली है, इतनी बड़ी बड़ी पौधे हैं। और छोटा से छोटा देखता है दूबी घास देखा होगा, एकदम देखता है जमीने पर, बताओ टेंग रहा है, वो भी पौधे है नहीं। अब जंतु में देखा जाए तो आप लोग एक चींटी देखा होगा, चींटी में भी छोटी सी चींटी वो भी बताओ जंतु है, और एक हाथी है वो भी जंतु है। तो आप लोग को कभी कभी लगता होगा कि दुनिया में क्या ये दोनों आया, ये लाखों लाख प्रकार के हम जंतु देख रहे हैं, लाखों लाख तरह के यहाँ दुनिया में पेड़ पौधे देख रहे हैं। तो बताओ क्या सभी पौधा एक तरह के हैं? नहीं, अलग अलग है। क्या सभी जंतु एक तरह के हैं? अलग अलग है। तो यही कहना है कि आखिर ये अलग अलग दुनिया में आया कैसे, हुआ कैसे। आप जैसे कि आप सोचिए, एक ही जाति का जितना भी जीव है वो अभी देखिए एक जैसा नहीं है। जैसे कि आजकल मार्केट में लेके चलो आम, अब आम बताओ मार्केट में देखते हो तुम लोग पीते हुए, तस बताओ रोड पर तो बहुत प्रकार के आम है और सब का नाम है आम ही है कि नहीं है। लेकिन क्या बताओ सभी आम का स्वाद एक तरह के है? क्या सभी का साइज एक तरह के है? बोलिए है नहीं। तो तुम लोग को अब ये लगेगा कि बताओ कि दुनिया में सब का नाम आम है लेकिन सब आम एक तरह के का है नहीं है। तो यही समझना इस चैप्टर में कि इस समय के साथ जो इतना तरह का जीव जंतु ये दुनिया में आया, ये आखिर कैसे आया। तो इसके बारे में देखिए, आप लोग कुछ वैज्ञानिक का नाम सुना होगा भी, जैसे चार्ल्स डार्विन है, नहीं जैसे मेंडल का नाम सुना होगा। तो ये सब खास करके ये जीवों में विभिन्नताएं कैसी आई, ये सारा बात जो है ये आप लोग को बताया। तो देखिए इस चैप्टर में खास करके जीवों में विभिन्नताएं विभिन्नताएं के कारण एक दुनिया में इतनी प्रकार की जो जीव आया, उन सभी जीवों का यानी वर्गीकरण माने कितने वर्गों में बांटा जाए, ये बात हुआ है सबसे पहले कैरोलस लिनियस के दिमाग में है। और कैरोलस लिनियस करीब करीब अपने जीवन में 60-61 साल तक मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद उसने जितना दुनिया में जितना तरह का जीव था उस जीवों का नाम कैसे रखा जाए, उसका नामकरण और उसका वर्गीकरण के बारे में एक अलग बुक ही छप गया, अलग किताबें छप गया, और उसी का नाम दिया गया देखा जाए टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो यहाँ पर जो टैक्सोनॉमी कहते हो, जिसको देखिए हम लोग
ठीक है, यहाँ इसी को कहते हैं वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। तो देखिए वर्गीकरण जो विज्ञान है ये विज्ञान का ही नाम है देखा जाए टैक्सोनॉमी। अब ये टैक्सोनॉमी के बारे में आप लोग कह सकते हैं कि देखा जाए जीव विज्ञान, ठीक है, यानी जीव विज्ञान का देखा जाए वह शाखा, ठीक है, वह शाखा जिसके अंतर्गत समझिए यानी जिसके अंतर्गत, ठीक है, यानी जीवों के वर्गीकरण मैंने बांटना, तो वर्गीकरण एवं कहते हैं नामकरण, ठीक है, मतलब विज्ञान में उसको क्या नाम दिया जाए, तब नामकरण के बारे में, ठीक है, यानी बारे में यानी अध्ययन किया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक है, यानी उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं, समझिए क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो टैक्सोनॉमी या बेसिक को देखा जाए वर्गीकृत कहते हैं, समझिए। तो देखा जाए बाद में जाकर के आपको बायोलॉजी में एक ऐसा किताब ही छपा, उस किताब में ये ही हम लोग को पढ़ने के लिए मिला कि दुनिया में जितना भी जीव है चाहे वो पौधा हो या जंतु, तो ये सारे जीव जंतुओं का वैज्ञानिक नाम कैसे दिया जाए, तो वैज्ञानिक नाम कैसे रखा गया है या उसको किस वर्ग में रखा जाए और क्यों रखा जाए, इस कारण यानी कि आपका टैक्सोनॉमी जो किताब है इसमें यही सब पढ़ाई लिखाई होती है। इसलिए कहें कि जीव विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के वर्गीकरण एवं नामकरण के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके बारे में दो बार, एक तो वर्गीकरण और दूसरा नामकरण, तब एक दोनों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी का नाम पड़ गया टैक्सोनॉमी। बात समझ गए? लेकिन एक कहानी सबसे पहले देखा जाए बताया कि कैरोलस लिनियस ने शुरू किया। इसलिए याद करेंगे सभी लड़के, अगर पूछता है आपसे कि टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी का जो जनक कहते हो, ठीक है, जनक या जिसको आप जो फादर कहते हैं, तो ये जो फादर जो कहलाया वह कहलाया देखिए कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस के वैज्ञानिक का नाम था, तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, समझिए। तो कैरोलस लिनियस को यानी कि इसलिए इसका फादर कहा क्योंकि सबसे पहले टैक्सोनॉमी के बारे में आपका कैरोलस लिनियस का भूमिका सबसे ज्यादा रहा। तो कैरोलस लिनियस ने जो है उस समय यानी दुनिया में जितना भी जीव था वह जीवों को यानी कि कुछ वर्गों में जातियों में उसको बांट दिया। बस मरे हो, तब कैरोलस लिनियस के बाद जो है कि बहुत सारा वैज्ञानिक आया और किसी किसी ने तो कहा कि दुनिया में जितना जीव है उसको दो वर्ग में बांट दिए, ठीक है, तो एक का नाम कर दिया जंतु और दूसरा का नाम कर दिया पादप। बाद में यानी कि और वैज्ञानिक आए तो उसको और छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया, अब उसी को वर्ग में बांट दिया, फिर वंश में बांट दिया, फिर कुल में कर दिया, ठीक है, तो उसको कई छोटे छोटे खंड कर दिया। ऐसे करने के लिए कई सारा वैज्ञानिक यहाँ पर आए, लेकिन उसी में देखा जाए एक वैज्ञानिक का आर हिटेकर, ठीक है, यानी देखा जाए यानी आर ही टेकर, और आर ही टेकर के अनुसार यहाँ पर समझिएगा यानी जीवों को
ठीक है, जितना भी जीव था, एक जीवों को यानी कि पांच जगत में, समझिए, यानी पांच जगत में बांटा गया, समझ रहे हो ना? तो एक पांच जगत में बांटा गया, और यानी कि कहने का मतलब कि आज ही देकर के पहले जो वैज्ञानिक आया वह और छोटा छोटा खंड बांट दिया, लेकिन सब को निचोड़ करके आज ही देकर ने बताया कि अगर दुनिया में जितना भी जीव है अब उसको बड़े बड़े अगर वर्ग में बांटते हो और उस वर्ग को अगर जगत कहा जाए, मतलब जीवों की दुनिया, जगत जगत मतलब दुनिया, तो जीवों को अगर इस दुनिया में उसको बड़े बड़े खंड कर दिया जाए तो समझे कि पांच जगत में बढ़ जाता है। अब पांच जगत में कैसे बढ़ जाता है समझेगा? तो दुनिया में जितना भी जीव है, ठीक है, इस जीवों को देखा जाए पहले कोशिकाओं के आधार पर, मतलब शरीर की संरचनात्मक संरचना के आधार पर इसको देखिए दो भाग में बांट दिया गया, जिसमें एक का नाम पड़ गया यूकेरियोटिक, ये पहले भी नाम सुने हो, यूकेरियोटिक जीव कहते हैं। तब देखा गया एक हो गया यूकेरियोटिक जीव, अब दूसरा जो आपका हो गया वो सब लड़के जान रहे हैं, तो वो हो गया देखते प्रोकैरियोटिक। तब यहाँ पर देखा जाए यानी जीवों को यानी दो भाग में बांटा गया, एक हो गया प्रोकैरियोटिक जीव और दूसरा हो गया यूकेरियोटिक जीव। बात समझेगा सब लड़के? तो प्रोकैरियोटिक जीव के बारे में हम लोगों को पहले भी बताए हैं कि वैसे जीव जिनकी जिनके शरीर में जो कोशिकाएं पाई जाती है उन कोशिकाओं के सभी अंग नहीं होता है या सभी कोशिकाएं विकसित नहीं होता है, इस पहले ही लोग क्लास में चर्चा कर चुके हैं या वीडियो के माध्यम से कवर किए हैं कि प्रोकैरियोटिक जीव का मतलब होता है वैसा जीव जिनके शरीर की कोशिकाओं में सभी अंग विकसित नहीं होते हैं उसे प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं, और जिनके शरीर की कोशिकाओं में सभी अंग विकसित होता है उसे को यूकेरियोटिक जीव कहते हैं। तो आज देखा जाए प्रोकैरियोटिक जो जीव है उसी को एक यहाँ पर जगत बना दिया है और इसी जगत का नाम है आपका मोनेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला जगत है यानी मोनेरा जगत। अब मोनेरा जगत जो होता है खास करके वैसे जीव को इसमें लाते हैं जिनकी शरीर की कोशिकाओं में सभी अंग नहीं पाया जाता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए आदिकाल में, ठीक है, तो आदिकाल में दुनिया में जो भी जीव आया उस समझे उसका स्टार्टिंग कहानी मोनेरा से होता है। अब जैसे मोनेरा में आपको आ जाता है जैसे कुछ बैक्टीरिया है, जैसे नील हरित बैक्टीरिया है, तो ये सब जो आते हैं ये सब देखिए प्रोकैरियोटिक में आता है। बात समझे हो? अब देखा जाए यूकेरियोटिक जो जीव कहता है जिसके कोशिका में तो बताओ सभी अंग होते हैं ना, तो इसी को देखा जाए यहाँ पर दो वर्गों में बांटा गया। तब दो वर्गों में बांटा गया इसमें बताया गया कि कोशिका के आधार पर देखिए एक जो हो गया तुम्हारा वह हो गया एक कोशिकीय जीव हो गया। बताइएगा क्या हो गया कि एक कोशिकीय जीव हो गया जिसका शरीर एक कोशिका का बना हुआ था, एक कोशिका का बना हुआ था और एक कोशिका का बना हुआ था इसी का नाम पड़ गया प्रोटिस्टा। क्या नाम पड़ गया? प्रोटिस्टा जगत नाम पड़ गया। समझिए जिसके शरीर बताओ क्या हो गया? एक कोशिका का बना हुआ, ठीक है, तो एक कोशिका का बना हुआ है एक प्रोटिस्टा जगत में आ गया। जैसे कि नाम सुना अमीबा का, नाम सुना है, पैरामीशियम का नाम सुने हो, यूक्लिना का नाम सुना है, सुने हो प्रोटोजोआ का नाम सुना है,
जो देख रहा है ये सब आ जाता है प्रोटिस्टा जगत में, जिसका शरीर मात्र एक कोशिका का बना होता है। आप देखिए दूसरा जो आपका होता है वह आपका द्वितीय हो जाता है, यानी बहुकोशिकीय। तो देखा ये बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं, समझना है, तब बहुकोशिकीय का मतलब यह हो गया है कि वैसा जीव जिनके शरीर दो या दो से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है, वैसे यूकेरियोटिक जीव जिनके शरीर दो या दो से अधिक कोशिकाओं के मिलने से बनते हैं, उसी को कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। क्लियर? अब बहुकोशिकीय जीव में देखिए, जैसे कि आपका मक्खी है, मच्छर है, मछली है, मोर है, आदमी है, ये सब क्या है? बहुकोशिकीय है। पेड़ में दुबी घास हो गया, चमेली हो गया, बेली हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गया, सहवाल हो गया, है देखते हो ना, बहुत सारे तुम लोग नाम सुना, फंगस का नाम सुने हो, जिसको कवक कहते हो, वो क्यों है? तो बताओ बहुकोशिकीय जो चीज हो गया, इसको भी देखिए हम लोग बांटते हैं, देखा है याद करना, यानी दो भाग में बांटते हैं। तो एक ऐसा बहुकोशिकीय जीव हो गया जिसकी कोशिका में कोशिका भित्ति मौजूद होता है, याद रखिएगा। तो देखिए कोशिका भित्ति यानी उपस्थित, ठीक है, आप लोग को बताया कि याद होगा कि जंतु कोशिका पादप कोशिका में, याद होगा अंतर बताए थे कि जंतु कोशिका के जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग की कोशिका में क्या कोशिका भित्ति पाई जाती है? क्या मछली की कोशिका में कोशिका भित्ति होती है? क्या जोंक के कोशिका में कोशिका भित्ति होते हैं? नहीं। इधर मतलब है, समझना है कि मतलब वैसे भी बहुकोशिकीय जीव है जिसके कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित है, लेकिन दूसरा वैसे भी आपका आते हैं जीव जिसमें कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। तो देखिए हम लोग बोलते हैं कि कोशिका भित्ति यानी अनुपस्थित है, बात समझ में है, यानी अनुपस्थित। अब यहाँ पर बोल रहे थे कोशिका भित्ति उपस्थित है, तो आपको क्लियर हो गया कि बताओ कि जिसके कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होगा, निश्चित है कुछ जंतु होगा, और जंतु होगा जिसको अंग्रेजी में एनिमल कहते हैं, इसलिए इसको एनिमिलिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? एनिमिलिया जगत बोलते हैं। कौन जगत बोलते हैं? एनिमिलिया जगत बोलते हैं, ठीक है ना, एनिमल, एनिमल से बन गया एनिमिलिया, जिसके कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, हो गया आपका जंतु में आ गया। लेकिन जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो ये भी देखिए आ गया दो प्रकार के, याद रखेंगे, तो दो प्रकार में कौन आ जाता है, तो समझिएगा सब लड़के लड़कियां, तो देखिए एक आ जाता है जिसमें क्लोरोफिल, बात नाम सुने हो ना, तो क्लोरोफिल यानी अनुपस्थित होते हैं, याद करेंगे, माने पौधा है जरूर लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो जिसे यानी पौधा के नाम तो पौधा है, कारण की कोशिका भित्ति है तो पौधा में आ गया, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी कोशिका में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसी को हम लोग देखिए फंजाई कहते हैं, क्या बोलते हैं, फंजाई जगत होता है, इसी को तुम लोग कवक बोलते हो, फंगस कहते हो, बताया नहीं, पहले भी कहानी है, फिर सबको विस्तार करेंगे, जैसे कि तुम लोग को बताया कि चर्म रोग होता है, अब फंजाइस होता है, भोज पदार्थ होता है जिसका खराब हो जाता है, वो अभी पता है कि फंजाइस होता है, जैसे आजकल सुन रहा है नया रोग में कि ब्लैक फंगस है, येलो फंगस है, व्हाइट फंगस है, फंगस यानी फंजाई यानी कवक, तो ये समझिए कि फंजाई जगत जो है, ये समझिए पौधों की ही एक जगत है,
लेकिन इसकी कोशिका में क्लोरोफिल नहीं होता है, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, बल्कि इस गर्भ में जितना भी पौधा का है एक परपोषी होते हैं, परजीवी होते हैं। ठीक है, मरे हुए जीव जंतुओं के शरीर से भोजन ग्रहण करता है, तो समझिए कि एक फंजाई जगत होता है। लेकिन दूसरा जो होता है वैसे पेड़ पौधे होते हैं जिनकी कोशिका में बताए थे कि क्लोरोफिल उपस्थित होता है। समझिएगा कि क्लोरोफिल अगर उपस्थित इसमें है तो ऐसी जगत का नाम प्लांटी जगत होता है। क्या होता है? प्लांटी जगत है। तो देखा जाए यहाँ पर हाल ही पेपर के अनुसार अगर चलते हो तो एक दुनिया में जितना भी जीव है अगर उन जीवों को बड़े बड़े खंडों में अगर बांटते हो तो उस खंड को जगत कहा गया। और यहाँ पर बायोलॉजी में जीवों की पांच जगत हो गई और ये पांचों जगत का नामकरण आपका आर हिटेकर ने बताया कि देखिए पहले जीव को आप दो भाग में बांट दीजिए, एक हो गया प्रोकैरियोटिक जीव तो दूसरा हो गया यूकेरियोटिक जीव। प्रोकैरियोटिक जीव में आया तो उसको मोनेरा जगत कहा, दूसरा यूकेरियोटिक में आया तो दो तरह क्या आया, तो एक हो गया एक कोशिकीय जीव और दूसरा हो गया बहुकोशिकीय जीव। अब एक कोशिकीय जीव दुनिया में चाहे पौधा हो या जंतु उस सब को हमने प्रोटिस्टा जगत में रख दिया, और जितना सारा बहुकोशिकीय जो जीव था उसको फिर हमने देखे दो भाग में बांट दिया। तो दो भाग में बांट दिया वो कैसे? कोशिका स्थिति के आधार पर, क्योंकि कोशिका में दो तरह की कोशिका पड़े हैं, एक कोशिका वैसा होता है जिसमें कोशिका भित्ति होती है और दूसरा कोशिका ऐसा होता है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। तब कोशिका भित्ति होती है माने उस समय पौधा की श्रेणी में चल गया, और जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है वो जंतु की श्रेणी में चल गया। तब जंतु की श्रेणी में चल गया उसी को एनिमिलिया जगत कहते हैं। कौन जगत? एनिमिलिया। लेकिन कोशिका भित्ति पाई जाती है तो ऐसे पौधा को बांट देते हैं दो भाग में, तो एक ऐसे पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके और अपना भोजन स्वयं बनाता है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो वो करेगा ना जिनकी कोशिका में हरित लवण क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल पाया जाता है तो वो प्रकाश संश्लेषण करेगा, अब प्रकाश संश्लेषण अगर करेगा उसी को प्लांटी जगत कहते हैं, और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेगा उसी को हम फंजाई कहते हैं। तो यहाँ पर जीवों को देखिए पांच वर्गों में पांच जगत में बांट दिए। अब इसी में अगले क्लास में जो होगा वह बारी बारी से सबकी चर्चा होगी। तो ये जो चैप्टर है वह 9th और 11th ये दोनों विद्यार्थियों के लिए आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 11 के विद्यार्थी भी आपका बायोलॉजी में आपको पढ़ना है जैव विविधता या जीवों की विविधता के बारे में या टैक्सोनॉमी के बारे में। तो आप यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं। धन्यवाद। गुड नाइट।